हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम देखेंगे एनएसए मीट विद सेंट्रल एशिया। अब देखिए, इंडिया के लिए सेंट्रल एशिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजन बन जाता है, क्योंकि इंडिया के लिए जो सेंट्रल एशिया रीजन है दैट इज नोन एज हार्ट ऑफ एशिया। इसीलिए हमारे रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो रिसेंटली जो एनएसए मीट है, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स मीट है, वो रिसेंटली हुई थी। प्लस यहाँ पर आपको इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो रिलेशंस हैं, डिप्लोमेटिक टाइज हैं, उनकी 30th एनिवर्सरी भी देखने को मिलती है। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके डेली 15 एमसीक्यू रिविजन चल रही है 10:15, मेन्स करंट अफेयर्स जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2:15, डेली करंट अफेयर्स जो कि आपके पेपर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज एट 6:15। तो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज में क्यों था। सो द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम होस्टेड अ स्पेशल मीटिंग विद हिज काउंटर पार्ट्स फ्रॉम सेंट्रल एशियन कंट्रीज। सेंट्रल एशिया कंट्री के जो भी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं प्लस इंडिया के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यहाँ पर मीटिंग होल्ड करी है। सो इसके की हाईलाइट्स क्या है वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सेंट्रल एशियन रीजन में कौन कौन सी आपको देखने को मिलती हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान आपको मिलता है। सो दिस पर्टिकुलर रीजन इज नोन एज सेंट्रल एशिया। अब देखिए, अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया के लिए ये जो एक्सेस, ये जो रीजन है, ये क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि यहाँ से आपको एक्सेस है यूरोपियन मार्केट का भी। ये जो रीजन है ये एक रिसोर्स रिच रीजन है। अगर हम कजाकिस्तान की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा यूरेनियम रिजर्व्स। सो यहाँ पर जो हमारी सिविल न्यूक्लियर पावर जनरेशन है वो हम किसकी वजह से कर सकते हैं, हम कजाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशंस बना सकते हैं। ऐसे ही आपको मल्टीपल रिसोर्सेज देखने को मिलेंगे इस पर्टिकुलर रीजन के लिए। तो इसीलिए इंडिया के लिए ये पर्टिकुलर रीजन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। सो दिस इज इट। अब अगर हम एनएसए की बात करते हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, तो उसके बारे में भी कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं। सो ही इज द प्राइमरी एडवाइजर टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड प्रिसाइड्स एनएससी, दैट इज नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। अगर हम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बात करते हैं तो ये 1998 में बनी थी। जितने भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज हैं वो कौन हैंडल करेगा, दैट इज एनएससी। अगर हम एनएससी के मेंबर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, डिफेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एंड फाइनेंस मिनिस्टर आर दी पार्ट ऑफ इट, राइट। सो ये ऑपरेट किसके तहत करता है, इट ऑपरेट्स विद इन द एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द पीएम, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एनएसए ऑफ इंडिया। अभी एनएसए हमारे कौन है, दैट इज अजीत डोवल, राइट। सो अब हम देखते हैं इसके की हाईलाइट्स क्या रहे हैं जो रिसेंटली मीटिंग हुई है। सो सबसे पहला की हाईलाइट है दैट इज 30th एनिवर्सरी। सो अगर हम यहाँ पर डिप्लोमेटिक टाइज की बात करते हैं इंडिया और सेंट्रल एशिया की, तो यहाँ पर आपको 30th एनिवर्सरी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट, अफगानिस्तान दी सेंटर ऑफ टॉक्स। अब देखिए, अफगानिस्तान एक ऐसा रीजन है वो काफी पॉलिटिकली अनस्टेबल है। इस अनस्टेबिलिटी की वजह से भी आपको देखने को मिलेगा कि हमारे ट्रेड रिलेशंस सेंट्रल एशियन रीजन के साथ बहुत अच्छे नहीं हो पाए हैं। क्यों? क्योंकि आपको रोड ब्लॉक्स देखने को मिलते हैं, एक तो पाकिस्तान में और दूसरा अफगानिस्तान में, क्योंकि वहां पर तालिबान गवर्नमेंट आपको देखने को मिलती है, राइट। सो सेंटर ऑफ टॉक्स क्या रहा, अफगानिस्तान। नेक्स्ट आता है दैट इज आपका डेलिब्रेशंस ओवर छबार। अब आपको पता है इंडिया के छबार में काफी ज्यादा स्टेक्स हैं, तो छबार पोर्ट जब तक प्रॉपरली ऑपरेशनल नहीं होगा तब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हमारे ट्रेड रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया बहुत अच्छे हो पाएंगे, राइट। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं अदर डेलिब्रेशंस, सो अदर डेलिब्रेशंस यहाँ पर क्या है, जो भी नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, चाहे फिर वो टेररिज्म हो, चाहे फिर वो आपका साइबर सिक्योरिटी हो, चाहे मनी लॉन्ड्रिंग हो, तो यहाँ पर उन इश्यूज पे भी डिस्कशंस की गई है। सो दीज वर द मेन की हाइलाइट्स। अगर हम इंडिया और सेंट्रल एशिया के रिलेशंस की बात करते हैं तो आप यहाँ पर हिस्टोरिकल टाइज देख सकते हैं। सो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा जो फरगाना वैली है, प्लस इंडिया की जो यहाँ पर ग्रेट सिल्क रोड जो एग्जिस्ट करती थी, जहां से हमारे ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे थे, तो वहां पर भी आपको देखने को मिलता है। ऐसे ही अगर हम इंडस वाले सिविलाइजेशन की बात करते हैं तो इंडस वाले सिविलाइजेशन में भी आपको पर्शिया एज अ मेजर ट्रेडिंग पोर्ट आपको देखने को मिलता है, राइट। सो इंडिया और सेंट्रल एशिया के काफी पुराने रिलेशंस रहे हैं। ऐसे अगर हम डिप्लोमेटिक टाइज की बात करते हैं, अब इंडिया के लिए ये क्या है, दिस इज हार्ट ऑफ एशिया। अगर शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की भी बात करते हैं तो वहां पर भी आपको देखने को मिलेगा कि इंडिया के काफी अच्छे रिलेशंस हैं विद दी सेंट्रल एशियन कंट्रीज, राइट। नेक्स्ट आता है दैट इज लाइक माइंडेडनेस इन कॉम्बैटिंग दी टेररिज्म।
यहाँ पर हमारी हमारा एजेंडा क्या रहता है, दैट इज एंटी टेररिज्म. सो यहाँ पर जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म आपको देखने को मिलती है विद द लाइक माइंडेड कंट्रीज. सो हमारी जो अप्रोच है और जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज की अप्रोच है वो आपको काफी ज्यादा सिमिलर देखने को मिलती है. ऐसे ही अगर हम इंडिया के रोल की बात करते हैं अफगानिस्तान सिचुएशन में, वहां पर भी आपको सेंट्रल एशिया जो रीजन है, कंट्रीज है, वहां पर भी आपको लाइक माइंडेडनेस देखने को मिलेगी. क्यों? क्योंकि इंडिया सपोर्ट्स अ स्ट्रॉन्ग प्रोपोनेंट क्या है फॉर री इस्टेब्लिशिंग पीस इन अफगानिस्तान. सो यहाँ पर हमारा मेजर मकसद क्या रहा है कि हम पीपल लेड डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चाहते हैं, राइट? अब वहां पर तालिबान है जो कि एक टेररिस्ट आउटफिट है. तो यहाँ पर इंडिया के जो कंसर्न्स रहे हैं वो यही रहे हैं कि वहां पर पीस हो, नंबर वन. नंबर टू, वहां पर पीपल लेड डेमोक्रेटिक पावर इस्टेब्लिश हो, राइट? ऐसे ही अगर हम बात करते हैं चाबार पोर्ट की, तो चाबार पोर्ट में इंडिया के काफी सारे स्टेक्स हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पर इसको केटर करने की कोशिश कर रहे हैं, राइट? सो दीज आर सम ऑफ द रिलेशंस विद सेंट्रल एशिया. अगर हम यहाँ पर इश्यूज की बात करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या है कि हमारे यहाँ पर ऑब्स्ट्रक्शन है फिजिकल कनेक्टिविटी की. ऐसा क्यों है? क्योंकि हमारा नेबर कौन है, दैट इज पाकिस्तान. और इंडिया और पाकिस्तान के आपको बहुत अच्छे रिलेशंस देखने को नहीं मिले हैं, जिसकी वजह से एक मेजर रोड ब्लॉक आपको देखने को मिलता है कि हमारी फिजिकल कनेक्टिविटी सेंट्रल एशिया रीजन के साथ नहीं है, नंबर वन. नंबर टू आता है जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, दे आर हाईली फ्रेजाइल. अब हाईली फ्रेजाइल क्यों है? क्योंकि आपको यहाँ पर आपको टेररिस्ट एक्टिविटीज भी देखने को मिलेंगी. नंबर टू, यहाँ पर आपको इस्लामिक फंडामेंटलिज्म देखने को मिलेगा. इसीलिए इंडिया और सेंट्रल एशिया के जो रीजन है वो बहुत ज्यादा कोलाबरेट नहीं कर पाए हैं. जो ट्रेड रिलेशंस हम बहुत अच्छे करना चाहते थे वो ट्रेड रिलेशंस हम बहुत अच्छे नहीं कर पाए. नेक्स्ट आता है, दैट इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ चाइना. अब चाइना का जो BRI है, दैट इज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, वो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव की वजह से आपको चाइनीज फुटप्रिंट्स यहाँ पर इम्प्रिंट्स देखने को मिलते हैं, एंड दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया. नेक्स्ट आता है, दैट इज पोरस बॉर्डर्स. अब ये पोरस बॉर्डर्स होने की वजह से आपको यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग, ड्रग ट्रैफिकिंग बहुत ज्यादा देखने को मिलती है. जैसा कि आपको पता है, यहाँ पर आपको गोल्डन क्रिसेंट रीजन देखने को मिलता है, जिसमें आपको पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान देखने को मिलते हैं, जहां पर आपको ड्रग ट्रैफिकिंग देखने को मिलती है, एंड अगेन दैट इज अ कॉज ऑफ कंसर्न फॉर इंडिया, राइट? सो आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको गोल्डन क्रिसेंट देखने को मिलता है, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान. ऐसे ही आपको एक और गोल्डन ट्राइंगल देखने को मिलता है जो कि किससे बना हुआ है, दैट इज म्यांमार, वियतनाम एंड थाईलैंड, राइट? सो दिस इज इट. यहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजेस भी देखने को मिलते हैं, बट यहाँ पर वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है कि सेंट्रल एशियन एज अ रीजन, इट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एक तरह से गेटवे बन जाता है हमारे लिए. यहाँ पर क्या है कि सेंट्रल एशियन रीजन की तो बात कर रहे हैं, हम यहाँ पर बायलेटरल रिलेशंस भी अच्छे कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप देख सकें कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट इन दिस रीजन बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? सो दिस वाज इट, एंड दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ इंडिया एंड सेंट्रल एशिया रीजन. थैंक यू वेरी मच.